सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, जो आज आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर हुआ है 9 अगस्त 2024 को, अभी तुरंत उसके सॉल्यूशंस को यहां हम देखने वाले हैं और जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनके सभी 15 प्रश्नों का यहाँ पे आप जल्दी से देख लीजिए कि आपका उत्तर क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान आपके बहुविकल्पी प्रश्न आए हुए थे, कितने आपके सही हुए आप कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न देखिए, त्रिपिटक ग्रंथ है जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का या इनमें से सभी? तो ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, ऑप्शन 2 जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। अब सबसे पहले जब इंसान ने जानवर पालना शुरू किया तो पहला एनिमल जो पाला वो कुत्ता था, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो हो जाएगा कुत्ता ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? तो कन्फ्यूशियस जो था वह चीन का रहने वाला था, ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो चीन की जो महान दीवार थी उसका निर्माता किन सु हुआंग था, किन सु हुआंग, ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 5 है, राज तरंगणी ग्रंथ की रचना किसने की? कौटिल्य ने, कलहड़ ने, वेदव्यास ने या मेगस्थनीज ने? तो राज तरंगणी ग्रंथ की जो रचना की वह कलहड़ ने की, ऑप्शन 2 जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? नील नदी कहाँ है आपकी, ये इसने जिस सभ्यता को जन्म दिया वह है मिश्र की सभ्यता, ऑप्शन 3 जो है आपका मिश्र की सभ्यता यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, शून्य अक्षांश 0° रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो 0° पे जो अक्षांश रेखा होती है मतलब धरती के बीचों बीच, वो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ऑप्शन 1 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही है यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जहां हम रहते हैं? एशिया महाद्वीप, यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहले में दिया गया है एशिया महाद्वीप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में गए, चंद्रमा तक गए, वो कौन थे? मिस्टर राकेश शर्मा, ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है, पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम स्तर संस्था है, पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम स्तर संस्था है, पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम स्तर संस्था है कौन सी? इनमें से सबसे नीचे स्तर की संस्था है पंचायती राज व्यवस्था की। तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे नीचे आता है आपके ग्राम पंचायत में बना होगा ग्राम पंचायत का ऑफिस, वही आपका देखिए एकदम ग्राम पंचायत जो होता है यही सबसे निचली कड़ी होती है पंचायती राज व्यवस्था की। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो आपके जिले में कोई भी विभाग हो, कोई भी काम हो, जो सेंसन होना है, जो भी काम होना है, वह एक इंसान जो होता है वह आपके जिले का मुखिया होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिला अधिकारी। इसके बिना कुछ नहीं होना होता है, ठीक है, इसके तक सारी बात होकर के ही जानी है, ये सभी विभागों का हेड होता है आपके जिले का। के बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? कौन से भारतीय हैं जिनको जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, नासा की स्थापना कब हुई? तो नासा की जो स्थापना हुई वह 29 जुलाई 1958 को हुई, ठीक 29 जुलाई है। अब यहाँ पे 19 जुलाई 1958 आपको दिया है, तो इसको आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है वो यही है 29 जुलाई, तो इसके हिसाब से जो सही होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो इस डेट को सही मानते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, नहीं तो
जिसने ये लगाया है उसको भी नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्सन का, जेके मेहता का, किन्स का या एडम स्मिथ का? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ये कहा है एडम स्मिथ ने, तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? अब ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी भी है, सत्यमेव जयते आप देखते होंगे ज्यादातर जगह लिखा रहता है, ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है। तो ये ऋग्वेद से, कठोपनिषद से या यजुर्वेद से या मुंडकोपनिषद से? तो ये है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन 4 जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से यहां तक प्रश्न संख्या 15 तक आपने देख लिया, 15 ऑप्शन। अब कितने आपके सही हो रहे हैं ये आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को तुरंत मिला लें और इसके बाद आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। इसी तरीके से पूरा सोल्यूशन, पूरी पढ़ाई आपके लिए, पूरे राजन पोन सीरीज सॉल्व कराई गई है, हर एक विषय के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेकंड सेमेस्टर भी आपको पूरा पढ़ाया गया, तो सेकंड सेमेस्टर की भी तैयारी के लिए आपकी दिक्कत नहीं लेना है, लगातार हम कराएंगे भी, पहले भी करा चुके हैं, पिछले 5 साल से डीएलएड के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।